हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं टेकी मंथन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप वीएलसी प्लेयर में सबटाइटल कैसे ऐड कर सकते हैं और साथ में बताऊंगा कि वीएलसी प्लेयर की शॉर्टकट क्या है जिससे आप सबटाइटल को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। साथ में बताऊंगा कि आप उसको परफेक्ट मैचिंग कैसे कर सकते हैं सबटाइटल की ताकि वो ऑडियो के साथ कंपेटेबल बैठ सके। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबटाइटल का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि जब आप कोई मूवी इंग्लिश मूवी देखते हैं तो आपको जो बोल रहे होते हैं वो कई बार समझ में नहीं आता, पर जब आप सबटाइटल ऐड करते हैं और उन्हें पढ़ते हैं तो आपको उनकी बात अच्छे समझ आती है जिससे आप पूरी मूवी का एंजॉय अच्छी तरह से कर सकते हैं और साथ में आप अपनी इंग्लिश को भी सुधार सकते हैं। जो SRT फाइल होती है उसे हम सब रिप टेस्ट फाइल बोलते हैं, जो आप मैन्युअली ऐड करते हैं VLC प्लेयर में। कई बार आप सबटाइटल मैन्युअली डाउनलोड करते होंगे, पर आपने देखा होगा जब आपने सबटाइटलों को ऐड भी करते हैं, अगर जो आपका सबटाइटल ऐड करना आता है तो मैच नहीं करते। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि सबटाइटल आपके जो है परफेक्टली मैच क्यों नहीं करते और आपको सबटाइटल डाउनलोड करने से पहले आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए ताकि आप उस पिक्चर के लिए, मूवी के लिए परफेक्ट सबटाइटल डाउनलोड कर सकें और वो आपकी मूवी के साथ मैच कर सकें। तो हम PC पे चलते हैं और देखते हैं आप सबटाइटल ऐड कैसे कर सकते हैं और उन्हें इनेबल डिसेबल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर सबटाइटल के बारे में। आप इस पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सबटाइटल चल रही हैं, सॉफ्टवेयर सबटाइटल बोलते हैं, देखिए चल रहे हैं। इसे आप डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल और इनेबल करने की VLC की शॉर्टकट की है अल्फ़ाबेट V। आप देखिए, मैं आपको V दबा के दिखा रहा हूँ। ऊपर लिखा है सबटाइटल ट्रैक डिसेबल। आप फिर दोबारा इसे इनेबल भी कर सकते हैं अल्फ़ाबेट V को दबाकर। ये देखिए, दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हार्ड कोर सबटाइटल किसे बोलते हैं। अब मैं आपको एक मूवी दिखा रहा हूँ जिसमें हार्ड कोर सबटाइटल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस मूवी में हार्ड कोर सबटाइटल है जिसे हम डिसेबल नहीं कर सकते। अगर मैं अल्फाबेट वी भी दबाऊँ, सबटाइटल ट्रैक नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि इस मूवी में जो सबटाइटल हैं वो मूवी के साथ इनकोड किए गए हैं, मर्ज किए गए हैं और वो डिसेबल नहीं हो सकते। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप मैनुअली सबटाइटल मूवी के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं प्रॉपर वे में और उसे कैसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सबटाइटल को ढूंढेंगे और साथ में मैन्युअली ऐड भी करेंगे। हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, जैसे ये मूवी है, ठीक है, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ और इसमें आप देखिए यहाँ पे इसमें आप देखिए यहाँ पे इसमें वी दबाऊंगा तो इसमें सबटाइटल है ही नहीं, ना सॉफ्ट कोर है ना हार्ड कोर है। तो इसमें हम सबटाइटल मैन्युअली ऐड कैसे करें, आपको इसमें दो चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको वो दो चीज़ें बता रहा जा रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले कोडेक इन्फॉर्मेशन में जाइए। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका फॉर्मेट क्या है या आपने किस साइट से डाउनलोड किया है। ये देखिए टाइटल में लिखा हुआ है। और दूसरी आपको चीज़ देखनी है कोडेक, ठीक है, उसमें आपको देखना है कि इसका फ्रेम रेट कितना है। आप यहाँ पे देखिए 23.97 दिया हुआ है। ये देखिए 23.97। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फ्रेम रेट के हिसाब से सबटाइटल डाउनलोड कीजिए या फिर आप प्रिंट के हिसाब से डाउनलोड कीजिए। जैसे मेरा है ब्लू रे प्रिंट, तो आप ब्लू रे सबटाइटल डाउनलोड कीजिए, ठीक है, या फिर आपका TS प्रिंट है या वेब प्रिंट है उसके हिसाब से आप सबटाइटल डाउनलोड कीजिए, पर सबसे सही होता है फ्रेम रेट के हिसाब से। देखिए मेरा 23.97 है, 23.97 फ्रेम रेट। तो अब हम इसके सबटाइटल ढूंढते हैं। मैंने पहले ही इसके सबटाइटल ढूंढ लिए। जैसे मैंने यहाँ पे सबटाइटल सर्च मारे हैं तो मेरे को अलग अलग साइट का अलग अलग ऑप्शन मिले हैं। देखिए यहाँ पे उस साइट का दिया हुआ है, पर यहाँ पे हार्ड कोड प्रिंट का दिया हुआ है HD डिप का, तो मुझे इनमें कहीं भी वो सबटाइटल नहीं मिले, ठीक है। तो हम अगली साइड पे जाते हैं। अब उसमें आप देखिए यहाँ पे मेरे को सबटाइटल मिले हैं इस मूवी के, और उससे बाद अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे लिखा हो फ्रेम रेट 23.97 और ये जो सबटाइटल हैं किस किस मूवी को मैच करते हैं वो भी साथ में लिखा हुआ है। देखिए, और मेरी मूवी भी जो ब्लू रे मूवी है, ये देखिए X265 कोडेक्स। तो मैं सबटाइटल डाउनलोड करता हूँ। आप दूसरी साइड पे भी जा सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी
सब टाइटल दिए, सब टाइटल डाउनलोड, पर ये भी मेरे से मैचिंग नहीं करते। ये मेरे मूवी के लिए परफेक्ट मैचिंग कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड इंग्लिश सब टाइटल, ये सब टाइटल डाउनलोड हो गए। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपको इस फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है। आप डेस्कटॉप पे जाइए, ओके कीजिए, ये फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट होगी। उससे बाद हम जो मूवी देख रहे हैं उसमें हम जाकर जहाँ पे सबटाइटल ऐड सबटाइटल करते हैं, अब आप डेस्कटॉप पे जाइए, SRT फाइल ढूंढिए, ये रही, अब ओपन कीजिए। अब आपके सबटाइटल ट्रैक ऐड हो चुके हैं, ऊपर लिखा भी आया। अब हम प्ले करके देखते हैं, देखिए ये सबटाइटल उसी के साथ मैच कर रहे हैं जो बोल रहे हैं। ऐसे आप परफेक्ट सबटाइटल ढूंढ सकते हैं अपनी मूवी के लिए। इस तरह आप दोस्तों अपने मूवी के लिए परफेक्ट सबटाइटल ढूंढ सकते हैं जो आपकी मूवी के साथ मैचिंग भी हो। ये देखिए, ये सबटाइटल बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये सबटाइटल परफेक्ट मैच कर रहे हैं आपकी मूवी के लिए जो बोल रहे हैं। आप डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ये होता है कि आपके सबटाइटल फिर भी मैचिंग नहीं कर रही हैं क्योंकि वो टाइमिंग आगे पीछे होती है उनकी। तो आप जाइए टूल्स में, फिर ट्रैक सिंक्रोनाइजेशन में, फिर आप देखिए सबटाइटल एंड वीडियो, सबटाइटल ट्रैक सिंक्रोनाइजेशन। आप यहाँ पे कुछ टाइमिंग सेकंड के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं ताकि आपके सबटाइटल उसके साथ मैचिंग कर सके। जैसे देखिए डिलेइंग, फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से भी अपनी स्पीड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको पता चलेगा होगा सबटाइटल हमें कैसे ऐड करनी है और कैसे उसे इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो ऐसे बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।